اللہ کی معرفت اگر مل جائے
रंग की मार्फत हासिल होती है सिर्फ देखने से। हम देखेंगे तो हिसाब कर सकेंगे ये सफेद है काला है लाल है या पीला है। अगर किसी इत्र की खुशबू देखनी हो तो बताइए आप देखने से रास्ता हल होगा कि ये कौन सा इत्र है? नहीं, हम सूंघना पड़ेगा। तो जिस चीज को सूंघ कर पता चलाया जा सकता है उसकी मार्फत का जरिया सूंघना है। जिस चीज की मार्फत देखकर हासिल होती है उसकी मार्फत का जरिया देखना है। जिस चीज की मार्फत चखने से हासिल होती है खाता रखा है आपको देखना है कि नमक कैसा है खाने का जायका कैसा है। और आप लाख सूंघ लें आपको नमक की मार्फत हासिल नहीं होगी। आप लाख देखते रहे नमक की मार्फत हासिल नहीं होगी। पता चला चखने की मार्फत चखने से हासिल होती है। तो ये चीजों की मार्फत है जिसको दुनिया का पाते हैं। जिस चीज को सूंघा जाता है उसकी मार्फत सूंघने से हासिल होती है। जिस चीज को चखा जा सके उसकी मार्फत चखने से हासिल होती है। और जिसको देखा जाता है उसकी मार्फत देखने से हासिल होती है। और याद रखें कि हर चीज की मार्फत किसी न किसी चीज की बाबत है। तो रब करीम की मार्फत जो हिदायत की शर्त के अंदर है रब करीम की मार्फत सिर्फ और सिर्फ निजात का सबब की गुलामी में आने से हासिल होती है। कि आका करीम अलैहि सलाम की गुलामी में बंदा आ जाए उनकी गुलामी का आप अदा करना शुरू कर दे और उसको रब करीम की मार्फत के असरार और लोग हासिल होने शुरू हो जाते हैं। अब वो बराती के आला पर बुलंद होता चला जाता है। ये तो है मार्फत। शेख सादी फरमाते हैं इसी को अल्लामा जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी शरीफ में भी तहरीर फरमाया फरमाते हैं दो शख्स वहां पे थे। एक शख्स के पास हीरा था दूसरे को भी पता था कि मेरे साथी के पास हीरा है। अब रात जब हुई उसको फिक्र आया कोई हीरे वाले को कहीं कोई और ना चुरा ले कहीं मेरा ये साथी ही ना चुरा ले। ये नियत तो खराब हो सकती है। जब रात को सोने लगे देखा साथी सो गया है उसने हीरा निकाला अब कहीं और छुपा था कोई जगह उसकी समझ नहीं आई। अल्लाह ताला ने उसके दिल में तदबीर डाली तो गया और सीधा जो सोया हुआ साथी था उसी की जेब में हीरा डाल दिया। खुद बेफिक्र होकर सो गया। रात को वो साथी उठा शेख साहब ने कहा उसकी नियत खराब हुई। उसने उठ के अपने दोस्त के तमाम सामान की तलाशी ले ली लेकिन उसको वो हीरा ना मिला। उसकी जेबों की तलाशी ले ली उसको हीरा ना मिला। कैसे मिलता हीरा तो खुद उसकी अपनी जेब में था। जब नहीं मिला तो फिर हार के सो गया। सुबह जब हुई तो हीरे वाला उठा उसकी जेब से अपना हीरा वापस निकाल दिया। शेख साहब फरमाते हैं पता चला अगर इसको एक मारिफत होती तो ये हीरे तक पहुंच जाता। ये मारिफत का काम याद रखिए हमारी जिंदगी में इंतहाई अहमियत का हामिल है। हम नमाज पढ़ते हैं रब की मारिफत से अगर खाली है हमारी नमाजें हाथ फैला कर बैठा हुआ है। उनका कुत्ता किनका कुत्ता
ये कौन सा तोता है जिसका जिक्र रब्बे करीम पुराने पाक में फरमा रहा है, एक मरतबा नहीं कई मरतबा फरमा रहा है, बार बार रब्बे करीम के कलम होकर होकर कर इशारा फरमाया। उसी विषय में बस नहीं की मेरे आप करीम अल्लाह साहब ने यह भी फरमा दिया कि उनका जो तोता है वो उनके साथ जन्नत में भी जाएगा। जन्नत में जन्नत पाकों का घर है, जन्नत में कोई नापाक नहीं जाएगा, लोग धूप नहीं डालता, साइड से होकर जाता है, देखता हुआ जाता है, ज्यारत के बारे में
हमारे साथ नाम जो तस्वीरों में मिल जाते हैं निकलते हैं, मेरा आदर साहब को हमको बताए कि जाओ तुम तीन अजमेर चले जाओ, आप बचते
नजर आता है, कॉलेज चले जाए प्रोफेसरों का तलबा का हुजूम नजर आता है, अस्पताल चले जाते हैं मरीजों का हुजूम नजर आता है, अरे दादा दरबार जाकर देखते हो अल्लाह की गलियों का हुजूम नजर आएगा, हुजूमों का हुजूम नजर आएगा, अल्लाह का नजर आएगा। हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर जाकर चलाए जा रहे हैं, जब कभी भी लाहौर के सरजमीन पर कदम रखते सफर करके आए हैं, लाहौर पर कदम रखा ऐसे लंबे लंबे सांस ले लेते हैं, लंबे लंबे सांस ले लेते हैं, पूरी दिन तक पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं, फरमाया लाहौर पर कदम रखते ही मुझे जन्नत की खुशबू आनी शुरू हो जाती है, जन्नत की खुशबू आ जाती है, बोला बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर दुनिया को ये ऐलान कर रहा है कि लोगों बात बदल में शरीफ की दरवाजा मैंने बना दिया है, लेकिन याद रखना जन्नत मिले भी तो दाता के दरों में मिलेगी, जन्नत लाहौर का दाता के दरों में है, दरवाजा बात बदल में, जो सारे रास्ते में शदीद बारिश हुई हुई थी और कीचड़ बहुत ज्यादा कीचड़ था, गुजरने वाले बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे, बताते हम सब के पेड़ जो कि हम सब अभी सुलूक के मनाजिम तक आने गए थे, हम सब के पेड़ खराब हो गए, पानी में कीड़े हो गए, बस बचा के कपड़े उठा के सारे लोग वहां से गुजरे, जब अपनी मंजिल पर पहुंच गए बताते हम सब देखकर हैरान रह गए, हमारे पीरों को शिद के पाँव खराब होना तो दूर की बात है, पानी से कीड़े तक ना हो जाते, बिल्कुल सूखे पाँव थे, मैंने रश कर दिया, अपने सर पर दूध का मटका रख के जा रही है,
हर मोमिन को चाहिए उसको पढ़े, हर बंदे को चाहिए अंदर ज़ौक पैदा करे, वो किताब खरीदे अपने मुदानी में रखे। हम सब का साथ मदद है, ईमान को फरमाए। वाकुल्लाह वाला